यूं तो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहां पर अनेकों देवालय और शक्ति के केंद्र स्थित हैं। इन्हीं केंद्रों में कोई रामनगर जिला नैनीताल स्थित हनुमान धाम है, जिसकी वास्तुकला और छटा अनोखी है। एक दशक पूर्व से अस्तित्व में आया ये धाम लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जहाँ लोगों की आस्था है जुड़ी हुई है, जहाँ आकर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सारे नवाते हैं और मन्नत की गांठ बांधते हैं। फलस्वरूप वीर बजरंगी हनुमान उनकी मनोतियाँ पूरी करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संबंध में हमारे ब्यूरो चीफ उमेश राणा की मुलाकात हुई मंदिर प्रबंधक राजेंद्र गोयल जी से। तमाम देवी देवताओं का निवास स्थल है और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम पहुंचे हैं इसी क्रम में छोई स्थित हनुमान धाम मंदिर। ये हनुमान धाम मंदिर बने हुए लगभग एक दशक हो गया है और यहाँ लोगों की आस्था ये है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर अपने मन की मान्यताएं, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाबा के आगे पहुंचते हैं, बाबा के आगे सर नवाते हैं और बाबा उनके मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं जो मंदिर के मुख्य प्रबंधक हैं श्री राजेंद्र जी। राजेंद्र जी से हम बात करेंगे। राजेंद्र जी बताएंगे इस बारे में कि मंदिर की स्थापना कब हुई है और इस मंदिर के बारे में क्या विशेष बातें हैं जो लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। राजेंद्र जी, मंदिर की भूमि पूजन सन 2011 नवंबर से स्टार्ट हुई, उसके बाद में ये नवंबर 2016 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज के समय में कोविड काल में भी लगभग 3000 के लोग डेली यहाँ पर आ रहे हैं, जो कोविड नियमों का सारा पालन करके हम लोग उनको दर्शन कराते हैं यहाँ पे हम लोग विकलांगों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें निशुल्क जो है वो लोगों के हाथ पैर लगा करके उनके जो मानसिक और शारीरिक से विकलांग हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनकी सेवा यहाँ पे निःशुल्क की जाएगी। यहाँ पे हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 लीलाएं एक ही स्थान पे, जो अभी वर्ल्ड में कहीं नहीं है, वो हनुमान धाम में आपको दर्शन करने को मिल सकती हैं। उसके अलावा ये गणेश जी, माता जी और भोलेनाथ का मंदिर भी अलग से विद्यमान। राजेंद्र जी, को ऐसी विशेष बात आप बताएंगे जो इस मंदिर के बारे में इतनी आस्था है और लोग इस मंदिर के प्रति इतने आस्थावान हैं कि दूर दूर से लोग रात दिन बरसात धूप सबकी परवाह किए बगैर मंदिर में पहुंचते हैं। ये शास्त्रों में कहीं ना कहीं वर्णन है, जो हमारे आचार्य जी बताते हैं कि जिस टाइम माता सीता सीतावनी में रहती थी तो यहाँ पर 3 बार हनुमान जी ने विश्राम किया है। ये हमारे आचार्य जी का कहना है, शास्त्रों के द्वारा उन्होंने कहीं से निकाला है। और यहाँ पे सन 70 में एक नेपाली बाबा रहा करते थे, जब वो यहाँ से माइग्रेट होकर जाने लगे तो मनोहर कहानियों में उनका लेख छपा हुआ है कि आज से 40-50 साल बाद कोई गृह सन्यासी यहाँ पर आएगा और बृहद हनुमान मंदिर का निर्माण होगा, जिसमें सेवा कार्य चलाए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 18,000 स्क्वायर फीट में विकलांग आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जो सनय सनय आगे हमारे, और अक्टूबर तक हम इसमें फिजियोथेरेपी सेंटर चालू करने के उसमें है। आचार्य श्री का कहना है कि अक्टूबर में हम फिजियोथेरेपी सेंटर इसमें चालू कर देंगे, सनय सनय आगे और काम होते रहेंगे। तो ये थे हमारे बीच छोई धाम स्थित हनुमान धाम मंदिर के मुख्य व्यवस्थापक श्री राजेंद्र जी। इस मंदिर के बारे में उन्होंने बताया कि एक दशक से अधिक इस मंदिर को बनाए हुए हो चुका निर्माण के लिए।